आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, राज ठाकरे आखिरकार शरद पवार को लेकर आक्रामक क्यों हो गए हैं, इस मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को पहले समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में शरद पवार जो है वो काफी वक्त से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन ये बयान वो भाजपा के खिलाफ दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी बीते दिनों एनसीपी प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। और अगर बात करें भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के खिलाफ है। आप सब जानते हैं, जब हनुमान चालीसा को लेकर विवाद शुरू हुआ तो राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्हें अपना अयोध्या दौरा स्थगित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो राज ठाकरे पर आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, राज ठाकरे के साथ दो दो हाथ करने की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे को यूपी बिहार और झारखंड के लोगों से माफी मांगने की नसीहत दे रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह द्वारा पास किए गए ये तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं, बयान हैं, ये राज ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जानते हैं क्या हुआ है। राज ठाकरे के खिलाफ भाजपा के सांसद ने शरद पवार से हाथ मिला लिया है। जो ब्रिजभूषण राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ थे, वो शरद पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ नजर आए हैं। जाहिर सी बात है, अब ये बात साफ हो गई है, राज ठाकरे का विरोध कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण भाजपा के सांसद शरद पवार के इशारों पर ही कर रहे थे। अब जैसे ही शरद पवार और ब्रिजभूषण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, राज ठाकरे के समर्थकों ने भाजपा पर और शरद पवार पर साजिशें करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो राज ठाकरे की तरफ से अब क्या कुछ शरद पवार को लेकर कहा गया है, राज ठाकरे की तरफ से क्या बयानबाजी शरद पवार को लेकर की जा रही है, बीजेपी सांसद के साथ शरद पवार की जुगलबंदी को लेकर की जा रही है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के बाद से ही उत्तर प्रदेश का एक नाम है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा रखी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह महाराष्ट्र की सियासत में छाए हुए हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध करना ब्रिजभूषण शरण सिंह ने शुरू किया और इस विरोध के बाद से ही राज ठाकरे के वो सबसे बड़े विरोधी बन गए हैं। राज ठाकरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बीते दिनों ये तक कह चुके हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ पार्टी के इशारे पर कर रहा हूँ। खैर, आपको बता दें, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ शरद पवार की मुलाकात और शरद पवार की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिन्हें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ब्रिजभूषण सिंह शरद पवार के साथ नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में उनके साथ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को मनसे ने साझा किया है और शरद पवार पर तंज कसा है। शरद पवार की तरफ से जो भी कोशिश राज ठाकरे के खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की जा रही है, उस पर मनसे की तरफ से निशाना साधा गया है। राज ठाकरे के दल मनसे का ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। लिखा गया है, कुछ फोटो अच्छे भी होते हैं और सच्चे भी। रिपीट, देख सकते हैं आप किस तरह से एक साजिश का यहां पर जिक्र किया गया है। इस तस्वीर के जरिए मनसे ने ये जताने की कोशिश की है कि राज ठाकरे के खिलाफ साजिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद शरद पवार थे। आपको बता दें, मनसे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शरद पवार ही हैं जो नहीं चाहते कि राज ठाकरे अयोध्या जाए। रविवार को पुणे में एक सभा में अपने अयोध्या ना जाने का कारण राज ठाकरे ने सीधे तौर पर एक साजिश को बताया। राज ठाकरे का कहना था कि अगर वो और उनके कार्यकर्ता अयोध्या जाते तो उन्हें किसी बड़ी साजिश का शिकार होना पड़ता। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे से बार बार कह रहे थे कि अयोध्या आने से पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ब्रिजभूषण ने बार बार कहा था कि मैं सिर्फ अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ। ब्रिजभूषण के इस बयान के बाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी की काफी खिल्लियां भी उड़ाई गई,
एमएनएस नेता गजनन काले ने इन तीन तस्वीरों को मीडिया पर ट्वीट किया है और इसके साथ ही शरद पवार पर तंज कसा है और लिखा है, ब्रिज के निर्माता ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तस्वीर को जूम करके देखेंगे तो भी आपको ब्रिजभूषण और शरद पवार ही दिखाई देंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध करने वाले पुल और षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति शरद पवार हैं। खैर आपको बता दें, शरद पवार को लेकर राज ठाकरे की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि वही साजिश रच रहे हैं कि शरद पवार राज ठाकरे को अयोध्या जाने से रोकें और उसके बाद राज ठाकरे राम पाठ ना कर पाए। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।